अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। इफ्तार पर बनाने के लिए मज़ेदार रेसिपी है पिज़्ज़ा कटलेट, तो झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिनके लिए हमने लिया है उबला हुआ आलू, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, इस सारे को मिला लेंगे। हमने एक कढ़ाई में डाला है ऑयल और उसमें डालना है यहाँ चिकन। चिकन हमने पहले ही उबाल करके रख लिया था और उसे रेशा रेशा भी कर लिया है। यहाँ हमें इसे फ्राई करना है। अब इसमें डालना है हमें प्याज चॉप किया हुआ, टमाटर चॉप किया हुआ, हरी मिर्च। सारे को फ्राई करेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो पाउडर, क्योंकि ये पिज़्ज़ा कटलेट है तो ऑरिगेनो पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमने डाला चिली फ्लेक्स और इसमें डालना है अब हमें पिज़्ज़ा सॉस। इस वजह से डालना कि पिज़्ज़ा कटलेट है तो पिज़्ज़ा सॉस डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसे मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें डालना हमें काली मिर्च पाउडर। यहाँ ये मेरा फ्राई हो चुका है। यहाँ डो बना रहे हैं और इसमें वही मिक्सचर डालना है चिकन वाला। यहाँ देखें, एक पीस चीज का डालना है। रखा हुआ था हमने इसमें मिलाएंगे और फिर ये ब्रेड क्रम्स इस पे लगा देंगे। सारे ही को अब हमें इसी अंदाज में बनाना है। जरा सा भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, पैक अच्छे से होना चाहिए। मेरा गर्म था, गर्म ऑयल में हमने इसे डाल दिया है। अब इसे फ्राई करना है। यहाँ देखिए तैयार हो रहा मेरा, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, खाने में भी लजीज ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ देखें तैयार हो चुका है मेरा। वाह, बहुत ही लजीज मज़ेदार चीज़ की वजह से और ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।